पंजाब गवर्नमेंट ने जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को बीएड की एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन दी है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट्स को समझ लेनी चाहिए। फर्स्ट है कि 2 काउंसलिंग सेशन होंगे, इन काउंसलिंग सेशन में को 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। तो जब 1 काउंसलिंग हो गई है उसके बाद दूसरी काउंसलिंग के दौरान आपको सीट की शिफ्टिंग के लिए अलाउ किया जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में के द्वारा। सीट की शिफ्टिंग कैसे होती है, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में आपको सीट अलॉट हो चुकी है, आपने वहां जाके 3 दिनों में जितना भी टाइम दिया जाता है तो वहां जाके आपने फीस डिपॉजिट करवा दी है, लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, आप शिफ्ट करना चाहते हो किसी और कॉलेज में, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आपकी कैटेगरी की सीट अवेलेबल है, तो वो अलाउ की जाएगी सेकंड काउंसलिंग। अगर कुछ सीट्स सेकंड काउंसलिंग के बाद भी खाली रहती हैं तो जो भी पंजाब गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डायरेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली खाली सीट को फिल किया जाएगा। अच्छा, एडमिशन जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो होनी है उसका नॉर्म्स क्या होगी, क्राइटेरियाज क्या होगा, जो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसकी क्लॉज 3.1 में अपेंडिसेस 4 गजट नोटिफिकेशन चलो ये दिया गया है, उसके अनुसार जो होगी ये इन्फॉर्मेशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रॉस्पेक्टस में दे दी जाएगी कि आप किस सब्जेक्ट के लिए टीचर बन सकते हो और बीएड में एडमिशन ले सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है इस बार कौन डिसाइड करेगा, पता है हमें, जीएनडीयू डिसाइड करेगी। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो रिजर्व कैटेगरी फॉर एग्जांपल एससी एसटी बीसी के कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी को केयरफुली क्लेम करें, क्योंकि एक बार आपने कैटेगरी जिसको क्लेम कर दिया उसके बाद आप उस कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप 2 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो आप ये सोच के पहले से डिसाइड करें कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। एलोकेशन ऑफ कॉलेज विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग बाय द अथोराइज्ड, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, वो इस बार वैसे ऑनलाइन ही होगा। सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उसमें ऑल इंडिया कैटेगरी के 85% जो कोटा है और आउटसाइड पंजाब का 15% कोटा है, उसके अकॉर्डिंगली ये काउंसलिंग सेशन चलेगा। तो अगर सीट खाली रह जाती हैं ये 15% की, इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 85% में, ठीक। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट की काउंसलिंग होगी। साइंस सब्जेक्ट की काउंसलिंग होने के बाद अगर साइंस कैटेगरी की सीट्स खाली रह जाती हैं तो वो आर्ट्स के कैंडिडेट के लिए वो सीट्स कन्वर्ट कर दी जाएगी, उसके बाद आर्ट्स के कैंडिडेट को वो सीट मिल सकती है। अच्छा, ये आपके 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक मेजर सब्जेक्ट एक माइनर सब्जेक्ट। इसका जो डिफरेंस है वो बीएड करने के बाद बीएड के दौरान नहीं होगा, बीएड में एडमिशन लेने तक होगा। जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपने ये प्रॉस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि 2 साल कम से कम पढ़ा है, जो 1 साल या 1 सेमेस्टर पढ़ा है उसको माइनर सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो मेजर सब्जेक्ट है जो एडमिशन होगी आपका यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी, माइनर सब्जेक्ट आप जिस कॉलेज में जाओगे वो कॉलेज वाले आपको माइनर सब्जेक्ट देंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के डीएमसी को देख के। उसके बाद ये मतलब नहीं समझ लेना चाहिए कि आप कॉलेज में पहुंच गए हो जहां अलॉट हो गई है सीट तो आपकी कंफर्मेशन ऑफ सीट हो गई है, कॉलेज वालों ने उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स गिवन बाय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वो पूरी होने के बाद आपकी सीट कंफर्म होगी, फिर फीस जमा होगी, जब फीस जमा होगी फिर आपकी सीट फाइनल होगी। एडमिशन अगर आप कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हो यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन में जहां एडमिशन के दौरान तो आपको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है विदाउट एनी इंटीमेशन। कॉलेज को ये प्रोवाइड करना होगा कि अपनी वेबसाइट पर के जो भी फैसिलिटीज कॉलेज में दी जाएगी वो अपनी वेबसाइट पर देंगे, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैंडेटरी परफॉर्मा आपके लिए नहीं है, कॉलेजेस के लिए है। कॉलेज जो फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी फीस है
उस फीस का 50% वो चार्ज कर सकते हैं, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो एडवांस में कॉलेज को ये बताना होगा कि यहाँ हॉस्टल में स्टे करना कंपलसरी है कि नहीं है, मतलब कि हॉस्टल के चार्ज आपको एक्स्ट्रा डाले जा रहे हैं या नहीं, ऐसे ही कोई और रेंट या मेस चार्जेस, कोई और चार्जेस आपको डाले जा रहे हैं, वो एडमिशन की फीस जमा आपको करवाने से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कंप्लीट लिस्ट देगी वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी, हायर एजुकेशन को, और उसकी एक कॉपी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन को होगी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दी हुई है। कैंडिडेट्स के लिए आपको जाना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।